जी दोस्तों, इल्यूमिनाटी क्या है? आजकल ये सब आपको बहुत सुनने को मिल रहा है। जी दोस्तों, बता दूं कि कई लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके सदस्य हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। जी दोस्तों, बता दूं कि अक्सर बड़े सेलिब्रिटी के बारे में एक गॉसिप चलती है कि वो इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं और इसीलिए इतने फेमस हैं। जी दोस्तों, बता दूं कि कई सेलिब्रिटीज के वीडियोस को लेकर सोशल मीडिया में दावा किया जाता है कि वो इल्यूमिनाटी का खास साइन बना रहे हैं और उससे जुड़े हुए हैं। जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके नाम इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं दोस्तों। जी दोस्तों, बता दूं कि इल्यूमिनाटी को आज भी रहस्यमय माना जाता है। जी दोस्तों, बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स हॉलीवुड स्टार्स से लेकर भारतीय पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ तक को का सदस्य मानने की बात करते हैं। जी दोस्तों, दिलजीत दोसांझ का एक टूर चल रहा है और इसी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है, फैंस का मानना है कि दिलजीत दोसांझ भी इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। दिलजीत दोसांझ को भी इल्यूमिनाटी का सदस्य मानने की बात करते हैं। और दोस्तों, कई यूजर्स का ये भी कहना है कि बिग बॉस का जो साइन है, जो लोगो है, जो त्रिकोण में एक आंख है, वो इल्यूमिनाटी का साइन है, वो इल्यूमिनाटी का ही एक प्रतीक है। जी दोस्तों, आजकल दिलजीत दोसांझ को लेकर ये कहा जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ इल्यूमिनाटी का हिस्सा है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ की इंटरनेट पर कई वीडियोस वायरल हैं जिनमें वो अपने हाथों से त्रिकोण साइन बना रहे हैं। हालांकि सिडनी के एक कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ ने ये कहा था कि उन्होंने अपने हाथों से जो साइन बनाया था वो क्राउन चक्र का निशान था, इल्यूमिनाटी नहीं। और दोस्तों, इस बार दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट का नाम इल्यूमिनाटी से जोड़कर रखा है। अब दोस्तों, ये तो पब्लिसिटी के लिए भी हो सकता है, आप कह सकते हो कि पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, या फिर वाकई में क्या दिलजीत दोसांझ का ये इशारा है क्योंकि इस बार उन्होंने अपने कॉन्सर्ट का नाम इल्यूमिनाटी से जोड़ा है। जी दोस्तों, कई यूजर्स का ये भी मानना है कि अमेरिकी एक्टर्स एंजेलिना जॉली भी इल्यूमिनाटी की सदस्य है और उनकी एक फिल्म की कहानी भी इल्यूमिनाटी पर आधारित है। और दोस्तों, बता दूं कि हॉलीवुड के बहुत सारे पॉप स्टार भी हैं जो अपने शो के दौरान इल्यूमिनाटी का साइन बनाते हुए दिखे हैं। और दोस्तों, बता दूं कि रिहाना का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो त्रिकोण साइन। जी दोस्तों, बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं, स्टार्स हैं, जो इल्यूमिनाटी का साइन बनाते हैं। जी दोस्तों, क्वेश्चन तो यह है कि क्या है इल्यूमिनाटी? जी दोस्तों, आपने कभी ना कभी इसका नाम तो सुना है, फिल्मों में, कहानी में, सॉन्ग में, किताबों में, कहीं ना कहीं हर जगह इल्यूमिनाटी का जिक्र होता है दोस्तों। और दोस्तों, बता दूं कि इल्यूमिनाटी का नाम सिर्फ सेलिब्रिटी से ही नहीं जोड़ा जाता बल्कि माना जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जेएफ कैनेडी की हत्या से लेकर देशों के बीच युद्ध करवाने और सरकारें गिराने में इस कम्युनिटी का हाथ रहा है। ये दोस्तों इल्यूमिनाटी का हाथ रहा है, ऐसा कहा जाता है। और दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत साल 1748 यूरोप के एक राज्य बवेरिया से शुरू होती है। एक दिन एडम वाइस हॉप का इस गांव में जन्म होता है दोस्तों। और दोस्तों, कहा जाता है कि उनके पूर्वज यहूदी थे और दोस्तों बड़े होकर वो इंग्लिश की यूनिवर्सिटी में धार्मिक कानून के प्रोफेसर बन गए थे। दोस्तों, बात यह है कि जब वो यूनिवर्सिटी में काम करते थे वहाँ का जो प्रशासन था वो पादरियों से चलता था, लेकिन एडम वाइस हॉप वो पादरी नहीं थे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम चल रहा है दोस्तों वो पादरियों से चल रहा है। जी दोस्तों, इल्यूमिनाटी की शुरुआत कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने की थी। जी दोस्तों, इल्यूमिनाटी की शुरुआत यहीं से हुई, यूनिवर्सिटी से। कहा जाता है कि 1 मई 1776 को एडम वाइस हॉप और उनके चार छात्रों ने प्रतिज्ञा ली कि वो एक खुफिया संगठन की शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, मेन ट्विस्ट ये था कि वो कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते थे और दोस्तों उन्होंने अपने खुफिया संगठन को नाम दिया इल्यूमिनाटी। और दोस्तों, इसमें नियम बनाए कि इसमें 30 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति इसका मेंबर नहीं हो सकता। और दोस्तों, बता दूं कि उल्लू को इल्यूमिनाटी का प्रतीक बनाया गया था और संगठन बनते ही दोस्तों इससे लोग जुड़ने चालू हो गए। और दोस्तों, कहा जाता है कि इसके जो सदस्य थे वो जासूस की तरह काम करते थे और अन्य संगठनों के मेंबर्स का पता लगाकर उन्हें इल्यूमिनाटी का मेंबर बनाते थे। जी दोस्तों, बता दूं कि इल्यूमिनाटी का नाम आपने जब भी सुना होगा तब आपने एक तस्वीर में देखा होगा कि एक पिरामिड है जिसके ऊपर आग बनी हुई है। ये पिरामिड इल्यूमिनाटी के स्ट्रक्चर को दर्शाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, इल्यूमिनाटी के सदस्यता के लिए 13 लेवल थे जो 3 भाग में बटे थे। जी दोस्तों, कहने का मतलब है इल्यूमिनाटी एक संगठन था, एक ऐसी कंपनी थी जो खुफिया तरीके से काम करती। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस कंपनी का मोटो था दुनिया पर राज करना। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया गया था। जी दोस्तों, बता दूं कि इल्यूमिनाटी समाज में बड़ा परिवर्तन लाना चाहता था, लेकिन कुछ समय बाद इसके ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई और सरकार को कई गुप्त दस्तावेज भी मिले जो दिखाते थे कि इल्यूमिनाटी वास्तव में विश्व पर राज करना चाहता था, नियंत्रण करना चाहता था। और जिनने ये इल्यूमिनाटी बनाई, एडम वाइस हॉप संगठन के प्रमुख, खुद को राजा मानते थे और दोस्तों कहा जाता है कि स्पार्टकस के नाम से पहचान रखते थे। जी दोस्तों, जब ये खुलासे हुए इसके बाद इल्यूमिनाटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और वाइस हॉप को देश से निकाल दिया गया था और इसके बाद इस संगठन को इल्यूमिनाटी को समाप्त मान लिया गया था। लेकिन सभी ऐसा नहीं मानते थे। जी दोस्तों, कहा जाता है कि 21वीं सदी में भी इल्यूमिनाटी की चर्चा थी। साल 1798 में
इल्यूमिनाटी का भूत अमेरिका भी पहुंचा। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक चिट्ठी में इल्यूमिनाटी के खतरे का जिक्र किया, और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि यहाँ तक कि अमेरिका के जो तीसरे राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन पर इल्यूमिनाटी का सदस्य होने का आरोप भी लगा। और दोस्तों 21वीं सदी में लोग आज भी मानते हैं कि इल्यूमिनाटी जिंदा है और लोग सीक्रेट रहकर इसमें काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये संगठन ही सीक्रेट वाला था, इसमें पहचान नहीं दिखानी थी जैसे कि मैंने शुरू में बताया। और दोस्तों कहा जाता है कि जो भी इसका सदस्य बनता है उसे हर तरफ से सपोर्ट मिलता है, उसे जिताने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों ये था इल्यूमिनाटी। अब भैया सच है झूठ है ये तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों इसको लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, क्या इल्यूमिनाटी आज भी है या सिर्फ ये एक कहानी है? तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इल्यूमिनाटी को लेकर अपनी राय कमेंट में बताएं।